नमस्कार गाइस, आपका स्वागत है हमारे हमदर्द चैनल में। और आज की टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं कि आप कैसे अपनी बेटी की शादी संस्था और भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जी हाँ, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या? कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो अमीर से अमीर होता जा रहा है, अगर गरीब है तो गरीब से गरीब होता जा रहा है। भले ही हमारे देश ने न जाने कितनी तरक्की क्यों न कर ली हो, पर आज भी ना समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है, आप जानते हैं। इसलिए आज भी गरीब माता पिता ना बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाने में बहुत संकोच करते हैं। और यदि गरीब परिवार की होनहार बिटिया अपने बूते उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कामयाब भी हो जाती है ना, तो परिजनों को बिटिया की शादी की चिंता हमेशा सर पे बनी रहती है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं। आपको पता है कुछ बच्चियाँ ना गरीबी की वजह से शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं। ऐसे ही कुछ गरीब और जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी करवाने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी शादी का पूरा जिम्मा भारत सरकार और कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं, जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही रखा है, साथ ही मैंने वीडियो में भी आपको बतलाया है। वहां जाकर आप गूगल पर या क्रोम पर उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ में आता है तो आप अपने निकटतम साइबर में जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारे डिटेल ले सकते हैं। और आपकी अगर बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो आप निजात पा सकते हैं, तो आपको साइबर जा सकते हैं। अगर आप उस वेबसाइट पर खुद जाकर कॉन्टेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी बेटी की शादी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। ऐसे ही गरीब और जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी करवाने की जिम्मा अब भारत सरकार के साथ कई संस्थाएं ने उठा रखी है। ये संस्था अपने आसपास के सैकड़ों गरीब बेटियों की शादी करवा चुकी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी हमारे समाज में गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए दर दर ठोकरे खा रहे। अक्सर देखा जाता है कि लड़के के परिजन उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों के परिवार से ना मोटी रकम की मांग कर लेते हैं। उस दशा में अगर किसी गरीब बिटिया की अगर शादी हो भी जाती है तो उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित होना पड़ता है। तो आपको पता है मजबूरन ऐसे में कई लड़कियों को अपने से कम पढ़े लिखे लड़कों से समाज में शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैंने ऐसे कई संस्थाओं से बात की, उनमें से कुछ संस्थाओं का कहना है अब तो उनका एकमात्र लक्ष्य है कि समाज के गरीब बेटियों की शादी करवाना है और उनके चेहरे पर खुशी लाना है। चलिए, अगर हम शादी को लेकर बात ही कर रहे हैं, विवाह को लेकर बात ही कर रहे हैं, तो एक रियल वाक्य है जो मैं सुनाता हूँ। मैं उस पर्सन का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो आप इस वाक्य से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, किस तरह की मनोस्थिति उभर कर भारत के सामने आ रही है, लोगों के सामने आ रही है। एक गरीब पिता की लाचारी देखिए। वह गरीबता से त्रस्त आकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें गरीब बेटी की शादी में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। सोशल मीडिया में गरीब पिता को आंसू बहाते हुए देखा गया और समाज सेवियों से उसके कथन के द्वारा कि उनकी बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाने की प्लीज जिम्मेदारी उठाएं आप, क्योंकि आप की ही वजह से हमारी आज बिटिया का विवाह हो सकता है। और कहते हैं ना, समाज में अगर कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो कुछ समाज सेवियों, जो कि शादी रविवार को होता है, उस दरमियान लोग आते हैं, उन्हें 70,000 से 80,000 का सामान भी भेंट करते हैं, साथ में फ्रिज, कूलर, पंखा और साथ ही रकम भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। उन्हें तो एक गरीब पिता को आंसू बहाते देख न जाने कितने समाज सेवियों ने उनके घर घराती बनकर दूल्हे का स्वागत किया, साथ ही उन्हें मजबूर कर दिया कि गरीब बेटी की शादी किस कदर हो सकती है।
अपने आसपास के गरीब कन्याओं को, गरीब बेटियों को शादी में, विवाह में उनकी मदद के लिए आगे आएं और उनका हेल्प करें, क्योंकि आपके मदद से किसी के घर में, किसी के परिवार में खुशियां आ सकती हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं ला रही हैं, साथ ही कौन कौन सी संस्थाएं हैं और किस तरीके से आपको विजिट करना है, क्या करना है, सारे डिटेल आज के वीडियो में डाल रहे हैं। और बाकी अगर आपको कुछ ना समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस संस्था या भारत सरकार की उस स्कीम के तहत पूरा आपका हेल्प। सबसे पहले आता है पीएम शादी शगुन योजना। केंद्र सरकार ने देश की अल्पसंख्यक लोगों को ध्यान में रखते हुए लड़कियों की सुरक्षा, पोषण, उच्च शिक्षा आदि के लिए कई योजना बनाई है। इन योजनाओं में पीएम शादी शगुन योजना भी शामिल है। शादी शगुन योजना SSY को देश के अल्पसंख्यक समुदाय को लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। पीएम शादी शगुन योजना में शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों को मोदी सरकार 51,000 रुपए आपको प्रोवाइड कराती है। बढ़ते दूसरी स्कीम की ओर, कल्याण लक्ष्मी योजना। जी हाँ, सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए 1,00,000 रुपए आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य विवाह से संबंधित खर्चों में सहायता करना है। अब हम तीसरे स्कीम की बात आते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार। जी हाँ, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए खुशी खबरी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बिहार की कन्याओं को 51,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जिनका उपयोग कन्या अपना विवाह करने के लिए कर सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हो सकती और इसलिए बिहार राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। ऐसे ही एक संस्था है मानव सेवा ट्रस्ट। जी हाँ, वेबसाइट हमने हर जगह पर दे रखा है। ट्रस्ट की गतिविधियों ने कई व्यक्तियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों के लिए जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। सामूहिक विवाह समारोह की यह सुविधा प्रदान करता है, मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। अगर आप चाहें तो इस संस्था से बिल्कुल आप मदद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और असहाय वर्ग के लोगों के लिए समाज सेवा के रूप में शुरू की गई है, ताकि वे समुदाय के साथ अपनी शादी समारोह आसानी से कर सके। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब बात आती है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी और भी संस्था है, ले बढ़ते हैं आगे एक और संस्था की बात। अगर आप दिल्ली से हैं, जी हाँ, अगर आप दिल वालों की नगरी दिल्ली से हैं, तो सामाजिक सुविधा संगम जैसी संस्थान अर्थवाणी से कमजोर वर्गों को उनकी बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो आप सामाजिक सुविधा संगम वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप कर्नाटक से हैं तो कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याण मित्र योजना गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती। इस योजना के अंतर्गत योग्य पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता तो दी जाती है, साथ ही बेटियों को शादी का पूरा खर्च उठाया जाता है। इसकी अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए कल्याण मित्र योजना की वेबसाइट पर विजिट करें। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, शादी मुबारक योजना तेलंगाना। जी हाँ, यह एक तेलंगाना सरकार की योजना है जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से संबंधित मुस्लिम कन्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान। जी हाँ, अगर आप मुस्लिम हैं तो प्लीज बिल्कुल स्माइल करिए, यह स्कीम आपके लिए है। तो मुस्लिम भाई बहन बिल्कुल यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं, कल्याण लक्ष्मी पथकम तेलंगाना। तेलंगाना सरकार गरीब परिवारों की दुल्हनों को विवाह खर्च के लिए पूरी तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। यह पथकम गरीब रेखा से नीचे की वर्ग की महिलाओं के लिए है, उनके परिवार विवाह के खर्चों को संभालने में जो असमर्थ होते हैं उनकी पूरी तरीके से यह संस्था मदद करती है। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हरियाणा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हरियाणा सरकार की एक अनोखी पहल है, जिसका उद्देश्य
कम आय वाले परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने की है, तो एक बार आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। योजना के अंतर्गत योग्य परिवार को विशेष ध्यान देते हुए बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गुजरात। जी हाँ, इस क्रम में गुजरात सरकार गरीब परिवार को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साइट मुख्यमंत्री कन्या दान योजना पर आप विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी ले। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्य प्रदेश। जी हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश सरकार आपके लिए बिल्कुल स्कीम ला रही है। आपके स्माइल का एक वजह मध्य प्रदेश फिर से हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने आपको अनेकों लाभ दिए हैं और इस बार फिर वो आपको निराश नहीं करती है। मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना परिवारों की वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास अपनी बेटियों की शादी करने के लिए संबंधित संसाधन नहीं होते हैं, उनके लिए यह सरकार हमेशा आगे आती है। जिनका उद्देश्य समाज की समृद्धि और समानता को बढ़ाने का प्रयास है, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों का शादी का आयोजन संभव हो सके। चलिए इस क्रम में अगर सारे राज्य आगे हैं तो पश्चिम बंगाल कैसे पीछे हो सकता है। जी हाँ, कन्याश्री कल्प का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित लड़कियों को उनकी शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर। जी हाँ, यह प्रकल्प उन लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कक्षा 8 की शिक्षा जारी रखती है और वे 18 वर्ष से कम उम्र में अपनी शादी के लिए आवेदन करती है। कन्याश्री प्रकल्प के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लड़कियों को सरकारी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऐसी एक संस्था और है जिसका नाम है पीपल टू पीपल इंडिया। जी हाँ, HPPI। अगर आप चाहें तो यहाँ विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यह भी संस्था काफी लोगों की मदद कर रही है विवाह और अन्य कार्य के लिए, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ऐसी एक संस्था और है भारतीय समाज सेवा केंद्र BSSK। यह संस्था भी विवाह के सपोर्ट के लिए हमेशा तत्पर रहती है और आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसी एक और संस्था है श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन। आप क्रोम या गूगल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी संस्था आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है। एक ऐसी और ही संस्था है ग्लोबल विकास ट्रस्ट। जी हाँ, आप यहाँ पर भी पहुँच कर पूरी तरीके से हेल्प ले सकते हैं। यह भी संस्था आपके विवाह के लिए बिल्कुल मदद करेगी। तो गाइस, मैंने आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए, सारे ऑब्वियसली वेबसाइट आपको हमारे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आप क्रोम और गूगल के माध्यम से ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप अपने निकटतम साइबर में जाकर पूरी डिटेल ले सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी बेटी बहन की शादी के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं।